पहले हम बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील लेना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स पूरी तरह से ब्रोकन टूट जाती है, तो उसे रिकवरी के लिए हम पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं। पोस्ट वर्कआउट में हमारा सबसे ज़्यादा फोकस प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स पे रहता है, जिससे हमारी बॉडी ऑल ओवर बॉडी अच्छी तरह से रिकवर हो पाती है और गेनिंग भी अच्छा होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम मिल्क और बनाना। मिल्क मिल्क में सबसे ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम होता है, जो कि हमारी ऑल ओवर बॉडी के लिए अच्छा होता है। बनाना बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बनाना हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम को अच्छा बनाए रखता है, बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है और मसल्स रिकवरी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और सबसे अच्छा किडनी किडनी की हेल्थ होती है, उसे के लिए भी बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। हमारा दूसरा फूड आता है एग, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, साथ ही साथ विटामिन भी होता है और ये मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है, जो कि मसल्स रिकवरी को फास्ट करता है, जिससे हमारी मसल्स रिकवर के साथ साथ गेनिंग पर भी रहती है। अब हमारा तीसरा फूड आता है ओट्स, जो कि हमारे ऑल ओवर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे ऑल ओवर बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर भी होता है और हमारी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और डाइजेस्टिंग सिस्टम भी इससे अच्छा रहता है। ओट्स ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ईजी होता है। अगर हम इसे दूध के साथ बनाते हैं तो इसमें प्रोटीन और विटामिन्स की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, जो कि हमारी बोन्स और ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये थे हमारे तीन सुपर पोस्ट वर्कआउट मील फूड, जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कॉमेंट डालें।